हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल क्रैक एग्जाम्स। दोस्तों, अभी बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है कोरोना वायरस, और इन्हीं सब चर्चा के विषय के बीच एक और नया वायरस आ गया है, हंता वायरस। तो हम जानेंगे ये हंता वायरस के बारे में कि ये कितना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, क्या ये पर्सन टू पर्सन फैल सकता है। कोरोना वायरस का जो अभी असर हो रहा है पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में, क्या वैसा ही भयावह है या फिर इस पे कुछ रोकथाम किया जा सकता है। हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि क्या हंता वायरस पहले भी आ चुका है, किन किन चीज़ों से होता है, कौन कौन से इसके सिम्टम्स हैं, इन सब के बारे में हम जानेंगे। तो गाइज, हमारे साथ बने रहें शुरू से अंत तक, वीडियो को पूरा देखें, और यदि यूज़फुल लगता है तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। दोस्तों, वायरस के परिवार से ही एक और वायरस है जो हंता वायरस है। आप सभी जानते ही हैं, आप लोगों ने नाम सुना होगा, न्यूज़ में देखे होंगे हंता वायरस के बारे में, जो मुख्य रूप से रोडेंट्स में पाया जाता है, यानी कि चूहे, गिलहरी, माइस, इन सब चीज़ों में पाया जाता है। और दुनिया भर में ये विभिन्न तरह के रोग पैदा कर सकते हैं, पर इस वायरस से इन पे कोई असर नहीं होता, यानी कि माइस पे, रैट्स पे, स्क्वायरल्स पे, यानी कि रोडेंट्स पे इन वायरस का कोई असर नहीं होता। हंता वायरस बहुत तरह के होते हैं। जैसे अमेरिका में इसे न्यू वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है, न्यू वर्ल्ड हंता वायरस के नाम से जाना जाता है। जब इसका फुल फॉर्म किया जाता है कि न्यू वर्ल्ड हंता वायरस के अंतर्गत कौन से वायरस आते हैं, तो हंता वायरस पुलमोनरी सिंड्रोम। वहीं कुछ हंता वायरस हैं जिसे ओल्ड वर्ल्ड हंता वायरस के नाम से जाना जाता है, जिसे हेमोरहैजिक फीवर विथ रेनाल सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो मुख्य रूप से दो तरह के हंता वायरस हैं, जिसे एक न्यू वर्ल्ड हंता वायरस के नाम से जाना जाता है, और कुछ हंता वायरसेस को ओल्ड वर्ल्ड हंता वायरस के नाम से जाना जाता है। जो ओल्ड वर्ल्ड हंता वायरस हैं, ये मुख्य रूप से यूरोप और एशिया में पाए जाते हैं, और इनसे जो सिंड्रोम होता है वो होता है हेमोरहैजिक फीवर विथ रेनल सिंड्रोम। हंता वायरस है क्या? दरअसल ये रोडेंट्स के एक्सक्रीशन से, जो एक्सक्रीमेंट होते हैं, यानी कि सलाइवा, फीसेज, यूरिन, यानी कि रोडेंट्स के मल मूत्र या सलाइवा से ये फैलते हैं। अब हम लोग जानते हैं हंता वायरस के हिस्ट्री के बारे में कि क्या हंता वायरस आज से पहले भी आ चुका है। जी हाँ, तो हंता वायरस आज से पहले भी आ चुका है, और सबसे पहली बार ये आया था 1993 में, यानी कि 1993 में संयुक्त राज्य अमेरिका में हंता वायरस, जो सांस से जुड़ी हुई काफ़ी गंभीर समस्या देखने को मिली अमेरिका में। कब मिली? 1993 में। अमेरिका के किन किन जगहों पे मिली? तो एरिजोना, न्यू मैक्सिको, कोलोराडो, उताह, इन सब जगहों पे देखने को मिली, जिसे द फोर कॉर्नर्स ऑफ यूएस रीजन्स के नाम से जाना जाता है। इन जगहों पे हंता वायरस का प्रकोप दिखा 1993 में। वहीं दूसरा केस मिला हंता वायरस का 1995 में, जो कि हंता वायरस पुलमोनरी सिंड्रोम था, जिसे नेशनली नोटिस किया गया। इससे इन्फेक्टेड लोगों को फीवर देखा गया, जो सिम्टम्स थे फीवर देखे गए, और जब जांचा गया उन लोगों को तो पॉजिटिव आया रिजल्ट, यानी कि वो लोग हंता वायरस से इन्फेक्टेड थे। और इसे राष्ट्रीय रूप से निगरानी प्रणाली के द्वारा इसे राष्ट्रीय रूप से घोषित किया गया कि ये लोग इससे पीड़ित हैं, हंता वायरस से पीड़ित हैं। वहीं तीसरा केस देखा गया नवंबर 2012 में, जब 10 लोग इससे इन्फेक्टेड पाए गए हंता वायरस से, जिसमें 3 लोगों की डेथ हो गई। ये लोग कहाँ से आए थे? तो कैलिफोर्निया, कुछ वेस्ट वर्जीनिया, इन सब जगहों से आए थे। लेकिन ये लोग इन्फेक्टेड कब हुए? जब ये लोग रिसेंटली ही योसमाइट नेशनल पार्क से होकर आए, तो कहीं ना कहीं उस पार्क में ये लोग इन्फेक्टेड हुए। 10 लोग थे जिसमें से 3 लोगों की जान चली गई। और जो चौथा केस देखने को मिला, वो मिला 25 अप्रैल 2017 को, जिसमें करीब 11 स्टेट्स थे जिसमें करीब
17 लोग इन्फेक्टेड पाए गए। एक आउटब्रेक हो गया उस समय 2017 में। ये हंता वायरस का जो वायरस था उस वायरस का नाम था सियोल वायरस। तो अब आप कहेंगे कि सियोल वायरस है क्या? तो दरअसल सियोल वायरस हंता वायरस की फैमिली से ही है। इसके बारे में हम थोड़ा रुक के चर्चा करते हैं। इसके अलावा हम जानते हैं कि हंता वायरस के और कौन कौन से और कब कब इन्फेक्टेड हुआ, ठीक है? तो अफ्रीका में वर्ष 2010 में एक नोवेल हंता वायरस से भी इन्फेक्शन देखने को मिला। वहीं एशिया में एशिया के चाइना, हांगकांग, द कोरियन पेनिनसुला, रसिया, इन सब जगहों पे हंता वायरस से इन्फेक्टेड लोग देखने को मिले। मुख्य रूप से जो एशिया में इन्फेक्शन हुआ वो सियोल वायरस से और हैंट्योन प्यूमाला से हुआ। और जो बीमारी हुई, जो इन्फेक्शन से डिजीज़ हुआ वो HFRS था, यानी कि हेमोरहैजिक फीवर विथ रेनल सिंड्रोम। वहीं कनाडा में 1989 से लेकर 2014 तक 109 कन्फर्म्ड केसेस मिले हंता वायरस से, जिसकी डेथ परसेंटेज 29% थी, यानी कि 100 में से 29 लोगों का डेथ हो गया। और किस वायरस से ये फैला था? तो ये वायरस था सिन नोम्बोरे वायरस, और ये वायरस भी हंता वायरस फैमिली का ही हिस्सा है। वहीं अभी रिसेंट का जो बात है, कल का 24 मार्च 2020, चाइना में ही ये केस मिला जिसमें उस व्यक्ति की डेथ हो गई, हंता वायरस से पॉजिटिव था, बस से ट्रैवल कर रहा था। वहीं ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार उस बस पे और भी कई लोग थे, जिसमें से 32 लोगों को टेस्ट किया गया कि क्या वो लोग भी हंता वायरस से पॉजिटिव हैं या नहीं। तो ये तो हम लोगों ने हिस्ट्री से लेकर प्रेजेंट तक के हंता वायरस के डिजीज़ को देखा कि किन किन जगहों पे हंता वायरस का इन्फेक्शन हुआ, इसकी डेथ रेट क्या थी। अब हम जानते हैं हंता वायरस के फैमिली के बारे में, मेंबर्स ऑफ हंता वायरस, ठीक है? तो जैसा कि मैंने कहा कि वर्ष 2017 में सियोल वायरस का संक्रमण बहुत अधिक हो गया। बहुत सारे जगहों पे, करीब 11 स्टेट्स थे जहाँ पे करीब 17 से ज़्यादा लोग इन्फेक्टेड थे। उन जगहों में कोलोराडा, जॉर्जिया, कैरोलिना, साउथ कैलोरिना, ये सभी जगह शामिल थे। तो मेंबर्स ऑफ हंता वायरस में दो वायरस आते हैं, एक है सियोल वायरस और दूसरा है सिन निम्बोरे वायरस। अब हम जानते हैं कि सियोल वायरस के अंतर्गत कौन कौन से जो रोडेंट्स हैं आते हैं, यानी कि किस रोडेंट के कारण सियोल वायरस फैलने की संभावना है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सियोल वायरस दो तरह के रोडेंट्स से फैलते हैं। पहला है नॉर्वे रैट और दूसरा है ब्लैक रैट। और ये जो आपको ब्रैकेट में दिख रहा है, ये इन रैट्स का बिनोमियल नेम है। जैसे कि ह्यूमन का बिनोमियल नेम होता है होमोसेपियंस, उसी तरह से नॉर्वे रैट का बिनोमियल नेम है रैटस नॉर्भिजिकस। वहीं ब्लैक रेट का बिनोमियल नेम है रैटस रैटस। क्या बीमारी होती है, क्या डिजीज़ होती है सियोल वायरस से? तो इससे जो डिजीज़ होती है वो है HFRS, यानी कि हेमोरेजिक फीवर विथ रेनल सिंड्रोम। वहीं चलते हैं हम सिन नोम्बोरे वायरस के पास और देखते हैं कि कौन कौन से रोडेंट्स के कारण ये वायरस फैलता है। तो ये वायरस फैलता है डियर माउस से। माइस माउस की एक तरह की प्रजाति है, नाम है डियर माउस, जिसका बिनोमियल नेम है पेरोमैकस मैनिकल्टस, मैस्कस मैनिकल्टस। और इससे जो डिजीज़ होती है वो है HPS, यानी कि हंता वायरस पुलमोनरी सिंड्रोम। अब इसके बारे में हम डिटेल से जानते हैं कि इन डिजीज़ेस में होता क्या है। तो सबसे पहले हम चलते हैं सियोल वायरस की ओर। सियोल वायरस, जिससे हेमोरैजिक फीवर विथ रेनल सिंड्रोम होता है, हालांकि इस वायरस से इन्फेक्टेड लोगों में बहुत ज़्यादा सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते हैं, या फिर यूँ कहें कि बहुत ज़्यादा डिजीज़ फैलने का खतरा नहीं होता है।
बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं या ना के बराबर देखने को मिलते हैं। लेकिन यदि बहुत ज़्यादा ये फैल जाए, सियोल वायरस किसी इंसान का इम्यून यदि बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और ये उसमें बहुत बुरी तरह से ये वायरस फैल जाए, तो उसे ब्लीडिंग या फिर किडनी से जुड़ी समस्याएं होती है, और ये रेयर केसेस में होता है। ज़्यादातर इसमें ना के बराबर डिजीज़ या ना के बराबर सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। दिस वायरस इज़ फाउंड इन डोमेस्टिक रैट्स, यानी कि जो हमारे घर में रैट्स होते हैं उनमें भी ये वायरस पाया जाता है, और वर्ल्ड में जितने भी रैट्स हैं उनमें ये वायरस पाया जाता है। दूसरा जो वायरस है वो है सिन नोमरे वायरस। इस वायरस में जो सिम्टम्स होते हैं वो फीवर होते हैं, बॉडी एक्स होते हैं, सांस लेने में दिक्कतें होती हैं, जिससे हॉस्पिटलाइज किया जाता है। जो डेथ रेट होती है HPS यानी कि हंटा वायरस पुलमोनरी सिंड्रोम से, वो 100 में से 38 डेथ रेट होती है, यानी कि 100 में से 38 लोग के चांसेस होते हैं मरने के। वहीं जो मैंने सियोल वायरस के बारे में बताया, सियोल वायरस में डेथ रेट बहुत कम होती है, करीब 1 से 2% डेथ रेट होती है, यानी कि 100 में से 1 या 2 लोग होते हैं जो जिनकी जानें चली जाती हैं। अब हम उस वायरस के बारे में देखते हैं, उन रोडेंट्स के बारे में देखते हैं जो मुख्य रूप से US में पाए जाते हैं। रोडेंट्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स दैट कैरी हंटा वायरस, ऐसे डिजीज़ जो कॉमन रूप से होते हैं US में, किन किन रैट्स के कारण, किन किन रैट्स या किन किन रोडेंट्स के कारण हंटा वायरस फैलने के कारण बनते हैं US में, तो वो कॉटन रैट्स हैं, डियर माउस है, राइस रैट्स हैं, व्हाइट फुटेड माउस है। तो ये सभी जो नाम है आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सियोल वायरस के अंतर्गत पाए जाने वाले रैट्स के नाम बताएं, सिन निम्बोरे वायरस के अंतर्गत पाए जाने वाले रैट्स के नाम बताएं, कौन सी डिजीज़ होती है HPS या HFRS, तो ये सभी क्वेश्चन आ सकते हैं। ये सबके बिनोमियल नेम्स दिए गए हैं सभी रैट्स के जो यूनाइटेड स्टेट्स में हंटा वायरस कैरी करने के कारण बनते हैं। मुख्य रूप से 4 रैट्स हैं, कॉटन रैट, डियर माउस, राइस रैट और वाइट फुटेड माउस। अब हम चलते हैं सिम्टम्स ऑफ हंटा वायरस। तो हंटा वायरस के बहुत सारे सिम्टम्स हैं, जैसे फीवर, बुखार लगना, मसल से यानी कि मांसपेशियों में दर्द होना, लेकिन इसमें बहुत ही ये अलग है क्योंकि मसल्स एक हर जगह आपको नहीं होते हैं। इस हंटा वायरस के सिम्टम्स में बहुत जहाँ बड़े बड़े मसल्स हैं वहाँ आपको खासकर दर्द देखने को मिलेंगे, जैसे थाइज में, हिप्स में, बैक्स में, और बहुत रेयर केसेस में शोल्डर्स में आपको दर्द देखने को मिलते हैं। वहीं हेडेक यानी कि सिर दर्द, डेजीनेस, सिर चक्कर आना, वॉमिटिंग, उल्टी जैसा, डायरिया, दस्त, नाउजिया, जी मिचलाना, ये सभी सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने जो हंटा वायरस से डिजीज़ देखे हैं वो 2 तरह के थे, मुख्य रूप से HPS और HFRS, जिसमें HPS ज़्यादा खतरनाक लगा क्योंकि उसमें से 10 में से 38% आपका सॉरी 100 में से 38% डेथ रेट बताया जा रहा है, वही HFRS में 100 में से 1 या 2% आपका डेथ रेट बताया जा रहा है। इज़ हंटा वायरस कॉन्टेजियस, क्या हंटा वायरस कॉन्टेजियस है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली क्वेश्चन में तो कॉन्टेजियस देखने को नहीं मिला है हंटा वायरस, जैसे कि जो यूएस में पाए जाते हैं हंटा वायरस उनमें कॉन्टेजियस देखने को नहीं मिला है, लेकिन रेयर केसेस जैसे चाइल अर्जेंटाइना, इन सब जगहों पर रेयर केसेस में पर्सन टू पर्सन केसेस देखने को मिले हैं। दूसरा क्वेश्चन, कैन यू प्रिवेंट HPS, क्या आप प्रिवेंट कर सकते हैं HPS को, तो फिलहाल इसका कोई करंट वैक्सीन नहीं है। CDC सजेस्ट करती है, यानी कि द सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, ये सजेस्ट करती है कि इन्फेक्शियस रोडेंट से कम कांटेक्ट में रहें, या फिर जिस एरिया में वो पाए जाते हैं, जिस एरिया में उनकी संख्या ज़्यादा है उस एरिया में बचें रहने से, वहाँ उस एरिया से दूर रहने की कोशिश करें, अपने घरों को, अपने बिल्डिंग्स को, अपने वर्कप्लेस को साफ सुथरा रखें। यदि कहीं होल्स हैं, कहीं से आने के चांसेस बन रहे हैं रोडेंट्स के, तो उन होल्स को कवर करें ताकि वो आपके घर पे ना आ पाएँ, और
जितना साफ सफाई हो सके उतना साफ सफाई करें। तो क्या जो लोग बीमार हो जाते हैं क्या उनका इलाज नहीं होता? तो हाँ होता है, उन्हें हॉस्पिटलाइज किया जाता है और उन्हें देख रेख में रखा जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि डेथ रेट बहुत ज़्यादा नहीं है, HFRS की जहाँ 1 से 2% है, वहीं HPS की 100 में से 38 है, यानी कि बाकी जो लोग हैं उनकी जान बचाई जा सकती है। तो बहुत ज़्यादा डेथ रेट नहीं है, पर्सन टू पर्सन भी नहीं है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि रेयर केसेस में पर्सन टू पर्सन आता है, जैसे चाइल्ड और अर्जेंटाइना में देखने को मिला। तो बस यही है कि हम लोगों को सेफ रहना है, स्वस्थ रहना है, साफ सफाई रखनी है अपने आसपास, कोशिश करना है कि रोडेंट से दूर रहें। एक और इम्पॉर्टेंट बात, जैसा कि मैंने कहा कि सलाइवा से उनके या फिर फीसेस से या फिर यूरिन से ये इन्फेक्शन हो सकता है, दूसरा इन्फेक्शन ये भी हो सकता है कि उनके द्वारा कुछ भी बाइट कर लिए जाने से, या फिर उन्होंने अपना कुछ एक एक्सक्रीशन छोड़ दिया है, तो वहाँ पे हम लोग कॉन्टैक्ट ना करें। तो उनके द्वारा कुछ भी बाइट की हुई चीज़ें हैं तो उन हम लोग खाने से बचे, या उनके द्वारा कुछ छू ली गई हैं चीज़ें तो उन लोगों को खाने से बचे, उन सब चीज़ों को। तो इन सब तरीक़ों से हम अपना बचाव कर सकते हैं। बहुत रेयर केसेस में देखा गया है कि रोडेंट्स के द्वारा बाइट कर लेने पर इन्फेक्शन होना, तो ऐसा बहुत ही रेयर केसेस में होता है। तो मूल रूप से जो हमें करना है वो साफ़ सफाई रखनी है, ऐसे एरिया से दूर रहना है जहाँ पे रोडेंट्स रहते हों, जहाँ पे उनका आना जाना हो, और घर को भी सेफ रखना है ताकि वो घर में इंटर कम से कम कर पाएँ। तो दोस्तों यदि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा हो तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक एग्ज़ाम्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।